दिल्ली जिसने राफेल जैसे मामले में फैसला दिया और जिनके फैसले पे उस समय भी बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन सब लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो न्यायालय के सम्मान के खिलाफ हो। लेकिन निश्चित रूप से लोगों के मन में संशय, आशंका और सवाल राफेल के फैसले के बाद पूरे देश में पैदा हुआ। अब उसी व्यक्ति को जब आप राज्यसभा में लेके आते हैं, उसको बैकडोर एंट्री देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारी न्यायपालिका के ऊपर, हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर, कि क्या ऐसे लोग जो सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं न्यायपालिका के, उनको रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ के पद से उनको सुशोभित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए देश में, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, जो जिंदगी भर न्याय के पद पर रहते हैं, ऐसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए, वरना हमेशा ये सवाल उठता रहेगा कि सेवा का मेवा मिला है। तो रंजन गोगोई के मामले में भी जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी तरह से जायज। सर मध्य प्रदेश